देश में 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न, लाल किले पर पीएम मोदी ने 11वीं बार फहराया तिरंगा। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने कोलकाता कांड पर जताई चिंता, कहा पाप करने की सजा फांसी, अपराधियों में डर पैदा करना जरूरी। पीएम मोदी ने देश में सेक्युलर सिविल कोड की वकालत की, कहा कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए। पीएम मोदी ने कहा यूसीसी पर देश भर में चर्चा जरूरी, धर्म के आधार पर भेदभाव बंद होना चाहिए। बांग्लादेश के हालात पर बोले पीएम मोदी, हिंदू समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, पड़ोसी होने के नाते भारत चिंतित। पीएम ने कहा 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करेंगे, अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। करप्शन और परिवारवाद से देश को बचाना जरूरी, पीएम बोले राजनीति में ऐसे युवाओं को लाना जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। पीएम मोदी ने कहा 5 साल में मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ेंगी, नहीं चाहता देश का नौजवान विदेश पढ़ने के लिए मजबूर हो। हमारे लिए रिफॉर्म राजनीतिक मजबूरी नहीं, हम नेशन फर्स्ट के संकल्प से प्रेरित, लाल किले से पीएम मोदी का बयान। देशभर में आजादी का जश्न, लखनऊ में सीएम योगी, महाराष्ट्र में सीएम शिंदे और राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल ने फहराया तिरंगा। पश्चिम बंगाल और झारखंड सीएम ने की फ्लैग होस्टिंग, जलंधर में पंजाब सीएम ने फहराया तिरंगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में की फ्लैग होस्टिंग, कहा आने वाली पीढ़ी की रक्षा हमारा दायित्व। कांग्रेस मुख्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे ने फहराया तिरंगा, कहा जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं वो कांग्रेस को नसीहत देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सरकार विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रही है, बीजेपी का विभाजन दिवस नफरत फैलाने वाला। दिल्ली में सीएम आवास पर नहीं फहराया गया तिरंगा, सुनीता केजरीवाल बोली तानाशाही जेल में रख सकती है, देश प्रेम कैसे रोक पाएगी। कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को बताया आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी, कहा आजादी के बाद भी चुने सीएम को जेल में डाला गया। फ्लैग होस्टिंग के बाद बोले देवेंद्र फडणवीस, कल लाडली बहना योजना की पहली किस्त मिल जाएगी। अमित शाह ने पीएम मोदी के भाषण की तारीफ की, कहा झलकता है विकसित आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह, भारतीय सेना ने दिखाया दमखम। बीएसएफ डॉग स्क्वाड के 12 डॉग्स की हुई स्पेशल परफॉर्मेंस, बीएसएफ की महिला बोल्ट राइफल टीम ने भी दिखाया दम। अटारी वाघा बॉर्डर पर भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न, जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बनासकांठा में भी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, नडा बेट भारत पाक सीमा पर दिखा जवानों का जोश। लंदन के इंडिया हाउस में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, जबरदस्त जोश और उत्साह में दिखे भारतीय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया एट होम रिसेप्शन, पीएम उपराष्ट्रपति समेत कई नेता हुए शामिल। पीएम के यूसीसी पर दिए बयान पर भड़के कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई, झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा पीएम ने व्यापक चर्चा की बात कही है। यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान पर संजय राउत का सवाल, पूछा क्या मोदी राज में लोकतंत्र बचा है। पीएम के परिवारवाद वाले बयान पर बोले नाना पटोले, सबसे ज्यादा परिवारवाद बीजेपी में ही है, मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता है, शरीयत में दखलंदाजी नहीं, मौलाना सिराज खान का बयान। मुंबई में कांग्रेस ने निकाली तिरंगा गौरव यात्रा, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत और आदित्य ठाकरे हुए शामिल। एमवीए के सभी लोग देशभक्त, संविधान और लोकतंत्र के लिए लड़ रहे, आदित्य ठाकरे का बयान। आजादी का मतलब संविधान के मूल्यों का सम्मान करना, स्वतंत्रता दिवस पर सीजीआई चंद्रचूड का बयान। योग गुरु स्वामी रामदेव ने पतंजलि योगपीठ में तिरंगा फहराया, देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा 5 लाख वीर वीरांगनाओं की शहादत की बदौलत हमें आजादी मिली है। एक्टर शाहरुख खान ने नेशनल फ्लैग के साथ तस्वीर शेयर की, मन्नत के बाद जुटे अपने फैंस को किया ग्रीट। श्रीनगर में 300 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकली, स्कूली छात्रों ने मनाया जश्न। श्रीनगर का बलिदान स्तंभ आम जनता के लिए खोला गया, 52 स्तंभों पर 4,877 शहीदों के नाम। लद्दाख में भारतीय सेना ने निकाली तिरंगा यात्रा, शौर्य का किया अद्भुत प्रदर्शन। मन की बात की तरह अब किसानों की बात कार्यक्रम, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। सितंबर से शुरू होगा किसानों की बात कार्यक्रम, किसानों को दी जाएगी खेती से जुड़ी जानकारियां। स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी की सीट पर विवाद, कांग्रेस बोली नेता विपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री जैसा होता है। केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर हमला, कहा 4 जून के नतीजों से भी नहीं ली सीख, राहुल और खड़गे को पीछे बैठाना जनता का अपमान। रक्षा मंत्रालय की सफाई, कहा आगे की सीट ओलंपिक विजेताओं के लिए आवंटित थी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री महायुति का होगा डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का दावा। जय पवार को बारामती से चुनाव लड़ाने के सवाल पर बोले अजीत पवार, पार्लियामेंट्री बोर्ड और कार्यकर्ताओं की मांग पर होगा फैसला। रोहित पवार का चाचा अजीत पवार के नाम खुला खत, कहा मैं जानता हूं आप पर करजत जामखेड़ सीट से चुनाव लड़ाने का दबाव बनाया जा रहा है। सरकार बनने पर अग्निवीर योजना खत्म करेंगे, सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। एमबीए में जल्द सीटों का बंटवारा पूरा हो जाएगा, कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट का बयान। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ पर बोली सीएम ममता बैनर्जी, कहा वाम और राम मिलकर ये सब कर रहे। सीएम ममता बैनर्जी का आरोप, पुलिस के पास जब तक जांच थी कुछ लीक नहीं हुआ, अब दस्तावेज लीक हो रहे हैं। तोड़फोड़ मामले में अब तक 9 लोग अरेस्ट, सीबीआई ने पीड़ित परिवार से भी की पूछताछ। सीबीआई ने भरोसा दिया बेटी के गुनाहगार पकड़े जाएंगे, मृत डॉक्टर के पिता का बयान। सीबीआई ने मृत डॉक्टर के कई साथी डॉक्टर्स और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का बयान दर्ज किया। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बीजेपी का प्लान, कल देश भर में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस।
केंद्रीय मंत्री सुगंध मजुमदार बोले बंगाल के सभी जिलों में रोड ब्लॉक करेंगे, सीएम ममता का मांगेंगे इस्तीफा। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से हजारा मोड़ से लेकर सीएम ममता के आवास तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। बीजेपी के ऐलान पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, सभी तरह के बंद की हम निंदा करते हैं, बीजेपी राजनीति कर रही है। सीएम ममता ने सभी जरूरी एक्शन लिए हैं, बंगाल सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, कुणाल घोष का बयान। आरजीकर हॉस्पिटल में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से मिले गवर्नर सीवी आनंद बोस, न्याय का दिया भरोसा। बंगाल बीजेपी नेता भारती घोष की मांग, बंगाल पुलिस कमिश्नर को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम ममता को लिखी चिट्ठी, कहा आरजीकर हॉस्पिटल की घटना पर राजनीति से हटकर एक्शन ले। स्वाति मालीवाल की सीएम ममता से अपील, बंगाल में महिलाओं को सुरक्षित करें, कई घटनाओं पर सही से एक्शन नहीं हुआ है। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना पर बोली कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत, हिंसा बर्दाश्त नहीं, प्रशासन ने अपराध छिपाने की कोशिश क्यों की। फोर्डा ने आरजीकर हॉस्पिटल में हिंसा की निंदा की, कहा केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार अपने वादों को पूरा करने में फेल हुई। हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन करना शांतनु सेन को पड़ा महंगा, सूत्रों से खबर, टीएमसी ने प्रवक्ता पद से हटाया। आरजीकर हॉस्पिटल में हुई घटना की जांच सीबीआई कर रही है, दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, शांतनु सेन का बयान। शांतनु सेन बोले आरजीकर हॉस्पिटल के हटाए गए प्रिंसिपल के खिलाफ पिछले 3 साल से शिकायतें मिल रही थी। आरजीकर हॉस्पिटल में डॉक्टर का प्रोटेस्ट जारी, नवनियुक्त प्रिंसिपल सुरिता पाल ने की मुलाकात। सीएम ममता पर निशाना साधने के लिए बीजेपी बेचैन रहती है, टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का अटैक। सीएम ममता के राम और वाम वाले बयान की केसी त्यागी ने की निंदा, कहा वो बंगाल जैसे राज्य के सीएम लायक नहीं है। नलिन प्रभात होंगे जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी, 1 अक्टूबर से संभालेंगे कार्यभार। 18 अगस्त को कुवैत दौरे पर जाएंगे एस जयशंकर, कुवैत के विदेश मंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। गौतम थापर के अवंता ग्रुप पर ईडी का एक्शन, 678 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्की। अहमदाबाद से मुंबई जा रही डबल डेकर ट्रेन का डिब्बा हुआ अलग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। गुजरात के नवसारी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 अलग जगहों से 50 पैकेट ड्रग्स जब्त किए। गुवाहाटी में संदिग्ध आईडी बरामद, पुलिस आयुक्त बोले प्रतिबंधित संगठन यूएलएफए इंडिपेंडेंट ने किया था दावा। दिल्ली के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश, उमस से लोगों को मिली राहत। असम के डिब्रूगढ़ में भारी बारिश, तापमान में आई गिरावट। हरियाणा के अम्बाला में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बादल फटने से आई बाढ़, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। श्रीनगर में बारिश के बाद बदला मौसम, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लैंडस्लाइड, सड़क बहाली के काम में जुटा बीआरओ। भारी बारिश के बाद बढ़ा यमुना का जलस्तर, मथुरा के निचले इलाकों में बड़ा खतरा। राजस्थान के बूंदी में बारिश का कोहराम, पुलिस वाले समेत पानी में बह गई पुलिस की जीप। केरल के सीएम पी विजयन की लोगों से अपील, वायनाड हादसे को भूल आगे बढ़े लोग। सीएम विजयन ने कहा तकनीक में तरक्की के बावजूद हमारे पास सही अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। हैदराबाद के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई, जगह जगह हुआ जल जमा। विनेश फोगाट पर सीएस के फैसले को चैलेंज करेगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आईओ के वकील विदुष्ट सिंघानिया ने दी जानकारी। वकील विदुष्ट सिंघानिया बोले डिटेल ऑर्डर आने के बाद 30 दिन के भीतर स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल में अपील का है प्रावधान। विनेश के ताऊ महावीर फोगाट बोले सीएस के फैसले के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं बची, विनेश को 2028 ओलंपिक के लिए समझाएंगे। पीएम आवास पर पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीट्स और खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी।